हेलो गाइस, वेलकम टू मैनर एजुकेशन। तो आज से सिर्फ 10 दिन रह गए हैं आपके लॉ सीईटी 5 इयर्स 2024 की एग्जामिनेशन के लिए। नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ही आप अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो या अपने प्रिपरेशन में आप बिजी हो, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप मिस आउट करते हो सकता है गाइस आप अपने एग्जामिनेशन में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो। बिकॉज सिर्फ प्रिपरेशन ही स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स विच एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। हाई चांसेस होते हैं गाइस एंड मोमेंट पर जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में एंड आपकी अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर अप करने वाले हैं सो दैट आप एंड मोमेंट पर कुछ भी मिस आउट ना करो एंड आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। सो येस, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ऑल्सो एट दी एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मॉक टेस्ट से मिल सकता है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड शेयर भी कर दो ये वीडियो सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑल्सो गाइस, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड मेक श्योर सब्सक्राइब मे न्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सो येस, कमिंग टू द पॉइंट, लेट स्टार्ट विथ द डूज एंड डोंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है बट एम करके बैठे हैं कि लॉ 5 इयर्स का एग्जामिनेशन लिखना है, अटेम्प्ट करना है, एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने अरेंजमेंट को अभी तक टच नहीं किया, अरेंजमेंट और क्वेश्चंस को, मेक श्योर डैट आप दो से तीन सेट रेगुलरली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अरेंजमेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस डेली 1, 2 और 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हो तो इजीली आप जो है मार्क्स गेन कर पाओगे। वोकैब के लिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिंपली आप रेफ़र कर सकते हो वर्ड पावर मेड ईजी। ये बुक के सारे वीडियो लेक्चर्स मिन्यूअर एजुकेशन के डैशबोर्ड पर आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपको लॉग इन करके वीडियोज़ का एक्सेस, अगर आपके पास वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस है तो लॉग इन करके आपको सारे वीडियोज़ जो है देख लेने हैं। इसमें सारे सेशंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपके वोकैबलरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। 1 आवर आपको डिवोट करना है स्टैटिक जीके के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस कर सकते हो हैंड आउट्स के थ्रू एंड चेकआउट कर सकते हो, प्लस प्रैक्टिस कर सकते हो 1500 क्वेश्चंस जो कि मॉक के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ ऑल दीज कॉन्टेंट अगेन आर स्पेसिफिकली डिजाइंड एंड क्यूरेटेड बाई एक्सपर्ट्स हु हैव ईयर्स ऑफ लॉ सीईटी एग्जाम राइटिंग एक्सपीरियंस। तो ये कॉन्टेंट बहुत पावरफुल है एंड बहुत रिलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रीवियस पेपर एनालिसिस के वीडियोज़ भी आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। सो कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर साल पेपर में देखने को मिलते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम अलाइन किया गया है आपके लॉ सीईटी के सिलेबस के साथ। एंड ऑल द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आगे आपको प्रोग्राम कैसे एक्सेस करना है, कौन सा प्रोग्राम चेकआउट करना है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 आवर आपको करंट अफेयर्स को देना है। इससे रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स अगेन आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे जहाँ से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे। 45 मिनट्स डेली लीगल एप्टीट्यूड के वीडियोस देखना स्टार्ट करना है। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो गाइस, इसके थ्रू जो है आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, प्लस ये आपके करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग, प्लस प्रैक्टिस एंड आपका जो रिविजन है वो भी हो रहा है। मेक श्योर डैट 2 मॉक अब आप डेली अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट आर ऑल्सो लॉन्च ऑन द मिन्यूअर एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट क्योंकि आपके सीटी लेवल के मॉक टेस्ट है। मेक श्योर डैट आप एक्यूरेसी पे पहले फोकस करो एंड स्पीड पे आप आखिर में जा सकते हो। ऑब्वियसली क्योंकि सीटी एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है तो येस दिस इज इंपॉर्टेंट, बट जब आपके आंसर सही होंगे तो ही वो स्पीड का कोई फायदा होगा, राइट? सो मेक श्योर दैट आप मॉक अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो एंड अपने आंसर्स को, अपनी एक्यूरेसी को और ब्रशअप करो। एंड जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो आपको इन सारे चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना है। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको दिन में कितने आवर्स देने हैं स्टडी के लिए, बी एट 7 आवर्स, 10 आवर्स, 11 आवर्स, जितना भी।
क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का काफ़ी कम टाइम रह गया है। व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू ऑल हैव टू अवॉइड, सबसे पहले प्रोकास्टिनेशन। तो गाइस ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। अब इस 10 दिनों में आपको क्या क्या करना है, इसका आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको डेली बेसिस पे विदाउट फेल करनी है। सो अवॉइड प्रोकास्टिनेशन कि मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, शाम से स्टार्ट करने वाला हूँ या परसों से स्टार्ट करने वाला हूँ, डोंट डू दिस, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रह गया है। नो तुक्का मटका, व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू ऑल कैन गो फॉर द जेन्युइन गेस और द स्मार्ट गेस। यहाँ पे जो है आप अपने मार्क्स सिली क्वेश्चंस के लिए लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली आप अभी प्रिपरेशन पे उतना टाइम डाल रहे हो। ओमिट ऑल द टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आप ख़त्म नहीं कर पाओगे लास्ट मोमेंट पे, तो वहाँ पर अपना टाइम आप मत वेस्ट करो। आपने जितने भी क्वेश्चंस सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर किए हैं आप उस पर प्रैक्टिस करो, उसको लेकर प्रैक्टिस करो, सो दैट आप वहाँ पर अपने स्कोर बनाने के चांसेस इनक्रीज़ कर पाओ। ऑल्सो गाइज, अगर आपका मॉक का स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो अपने प्रेपरेशन को जज मत करना। आप अगेन एंड अगेन मॉक अटेम्प्ट करके अपना मॉक का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कॉमन है गाइज, होता है, बट मेक श्योर दैट उसको लेके उसकी वजह से अपने प्रेपरेशन में डीमोटिवेशन मत लाना। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने प्रेपरेशन को बीच में स्टॉप कर सकते हो या फिर आप लॉस्ट हो सकते हो। एट दिस मोमेंट हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यस, मॉक का स्कोर अगर कम आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट मॉक या फिर उसके बाद का मॉक अटेम्प्ट करके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अपना मॉक का स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। ऑल्सो मेन्यूअर का जो मॉक टेस्ट है वो एक दो लेवल हाई होता है सीईटी से, बट अगर आपका स्कोर मेन्यूअर के मॉक में आ रहा है अच्छा, तो डेफिनेटली सीईटी के पेपर में भी अच्छा आएगा। मेक श्योर दैट आप वीक एरियाज़ को इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कम दिन रह गए। अब ऐसे में स्टूडेंट्स ये सोचता है कि भाई ये तो मेरा बहुत वीक एरिया है, लीगल मेरा वीक एरिया है, जीके मेरा वीक एरिया है, अब टाइम कम है तो यहाँ पे ध्यान देके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा आरसी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो मैं वहाँ फोकस करने वाला हूँ। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको आपके वीक एरियाज पे भी फोकस करना है, क्योंकि स्कोर आपको वहाँ से भी निकालना है। अब ये आप ऐसे कर सकते हो कि मॉक अटेम्प्ट करके जो वीडियोज़ आपको मेन्यूअर के डैशबोर्ड पर मिले हैं वो सारे वीडियोज़ चेकआउट करके, क्योंकि उतना कॉन्टेंट गाइस सफिशेंट है, इनफ है आपकी प्रिपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन में लाने के लिए। तो इग्नोर कुछ भी नहीं करना है, बट येस, वो सारे टॉपिक्स आप अभी स्टार्ट मत करो जो आपको लगता है एंड मोमेंट तक ख़त्म नहीं हो पाएंगे। बट अगर आपको कोई एरिया वीक है आप उसको ब्रश अप करने पे फोकस करो, मॉक अटेम्प्ट करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सो दैट जो वीक एरियाज है आप उधर से भी क्वेश्चंस अपने निकाल सको। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन अब लास्ट मोमेंट पे अवॉइड करना, एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। रिविजन को निग्लेक्ट मत करो गाइस, आई अंडरस्टैंड लास्ट के 10 डेज रह गए, आपके पास प्रिपेयर करने के लिए शायद अब भी बहुत कुछ होगा, बट रिविजन के लिए भी आपको टाइम निकालना है। किसी भी तरीके की पैनिकनेस के सिचुएशन में आप खुद को मत डालो, क्योंकि एट दिस पॉइंट सारे स्टूडेंट्स का फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। फोकस रहोगे तो मॉक के क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे, रीड करोगे और उसका राइट आंसर दे पाओगे। अगर आपका ध्यान बहुत सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे एंड आपके मार्क्स जो है, स्कोर जो है, फ्लक्चुएट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो येस, नाउ लेट्स चेकआउट वॉट ऑल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज यू ऑल हैव टू रेफर, यू ऑल हैव टू चेकआउट फॉर दिस लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। तो गाइज इसके लिए आपको आ जाना है मेन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सिंपली बाय ऑनलाइन पे क्लिक करना है, लो एंट्रेंस पे क्लिक करना है एंड यू ऑल कैन सी द फुल कोर्स प्रोग्राम, इसका वी हैव रिसेंटली ड्रॉप्ड द प्राइस। यू ऑल कैन चेक आउट दिस प्रोग्राम जहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसकी अभी हमने बात की जो आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम परस्पेक्टिव से ऑल द इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जिसमें आपको मिलता है 20 फुल लेंथ मॉक जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर्ड है एंड हैंड आउट्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। सिंपली व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है, यू ऑल कैन सी द नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स यू ऑल आर गेटिंग, सिलेबस पर क्लिक करके यू ऑल कैन चेक आउट दैट ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर कवर्ड एंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज अलाइंड विद द सीईटी लेवल एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल कैन ऑल्सो चेक आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम गाइज, विच इज़ लॉ 5 ईयर्स मॉक टेस्ट बूस्टर, जिसमें आपको मिलता है 10 सेक्शनल प्लस 20 फुल लेंथ मॉक। बहुत हाई टाइम है, बहुत सही टाइम है अब मॉक अटेम्प्ट करना है। इवन तो आपकी प्रिपरेशन कम्प्लीट नहीं हुई है, ये मत सोचना कि मेरी कम्प्लीट प्रिपरेशन होगी तो मैं मॉक अटेम्प्ट करूँगा। ये अगेन एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है स्टूडेंट के मॉक अटेम्प्ट ही नहीं करते लास्ट मोमेंट तक, एक दो मॉक अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम से पहले, तो वहाँ पे उनकी इतनी फेमिलियरिटी नहीं हो पाती एग्जाम से, जिसकी वजह से वो रियल एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एंड सीईटी स्पीड बेस्ड एग्जाम। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, मेक श्योर यू ऑल टेक द एक्सेस ऑफ द मॉक टेस्ट। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके ऑल कैन सी द मॉक टेस्ट व्हिच यू ऑल आर गेटिंग, दिस आर सीईटी लेवल मॉक टेस्ट एंड ऑल कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट इज लॉ जी के मॉक टेस्ट बूस्टर। अगेन जी के इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें आपको मिलता है 1500 प्लस क्वेश्चंस। ऑल द स्टैटिक जी के एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आर कवर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो ये दोनों मॉक टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक्सेस लेके तुरंत प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। अब ये सारे लिंक्स आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कर लेना एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड टेक नोट्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe in your law entrance channel for more such videos and until then, I will see you in the next upcoming video.